हाय फ्रेंड्स, मैं माधुरी एस्ट्रोलॉजर आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया हुआ। मैं यहाँ ट्राई करती हूँ छोटे छोटे टिप आप सभी का शेयर करूँ, जिसको यूज करके आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक सॉल्व कर सके। हाय फ्रेंड्स, हर घर एक एस्ट्रोलॉजर। आज मैं इसमें आपको टीच करने वाली हूँ। हम सब साथ में लर्न करेंगे कि चंद्र राशि क्या होती है, जिसको हम मून साइन भी बोलते हैं। मून साइन क्या होता है, तो मून साइन फिगर आउट करने के लिए आपको क्या टेक्निक यूज करनी है। जिसकी भी कुंडली आपके पास में है ना, आपको उसकी कुंडली में देखना है कि मून की प्लेसमेंट कहाँ है। ठीक है, अब मून की प्लेसमेंट आपकी किसी की कुंडली में 12 हाउसेस में से कहीं पे भी हो सकती है, पर वहाँ पे नंबर कौन सा लिखा है आपको पहले वो देखना है। सपोज किसी की कुंडली में अगर 1 नंबर में मून बैठे हुए हैं, चंद्रमा की प्लेसमेंट नंबर 1 में है, डैट मीन्स उनका जो मून साइन होगा ना, वो एरिस होगा। एरिस को हम मेष भी बोलते हैं हिंदी में। तो आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। अगर कहीं पे कुंडली में सपोज ये 12th हाउस है, इसमें किसी के 4th हाउस में नंबर 1 लिखा है, क्योंकि हाउस में आपको बताया नंबर अलग अलग लिखे होते हैं। अगर नंबर 1 लिखा है 4th हाउस में और वहाँ पे मून की प्लेसमेंट है, एम मीन्स मून, अगर मून की प्लेसमेंट 1 में है, इट मीन्स उनकी जो मून साइन हुआ एरिस हुई, उनकी चंद्र राशि एरिस हुई। अब किसी की अगर ये 12th हाउस में से किसी के भी मून जो है वो 2nd नंबर में बैठे हुए, मतलब नंबर 2 लिखा हुआ, जहाँ कहीं पे भी एनी वेयर 12 हाउसेस हैं, 12 हाउसेस में कहीं भी नंबर 2 लिखा हुआ है और उसमें अगर मून बैठे हैं, मून की प्लेसमेंट वहाँ पे है कुंडली में, डैट मीन्स उनकी जो राशि हुई ना वो टॉरस हुई। टॉरस मीन्स वृषभ राशि, मीन्स उनको जो चंद्र राशि हुई, मून साइन हुआ टॉरस हुई। अब आप अपनी कुंडली ओपन करो और उसमें देखो कि आपकी राशि में कौन से प्लैनेट, मतलब मून जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। मून देखना है और नंबर देखना है। अब अगर किसी की कुंडली में 3rd नंबर में अगर मून बैठे हुए हैं, सपोज 3 नंबर कहीं भी लिखा हो, नंबर 3 कहीं पर भी लिखा हो सकता है, एनी वेयर इन द 12th हाउस, डेट मीन्स वॉट, उसकी जो चंद्र राशि हुई, मून साइन हुई, वो हुई जेमिनी। जेमिनी को हम मिथुन बोलते हैं हिंदी में, तो जेमिनी उनकी मून साइन हुई। अब सपोज किसी कुंडली में 4 नंबर लिखा हुआ है और वहाँ पे मून की प्लेसमेंट है। अब ये 4 नंबर जरूरी है 1st हाउस में लिखा हो या 11th हाउस में लिखा हो, नॉट नेसेसरी। आपके 12th हाउस में कहीं पर भी लिखा हो सकता है नंबर 4, वहाँ पे अगर मून की प्लेसमेंट है, वहाँ पे मून लिखा हुआ है कुंडली में, इट मीन्स आपकी जो राशि है कैंसर हुई। पर एक बात और मैं यहाँ बता दूँ, आप लोग न्यू लर्नर हो, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे 4 जहाँ पे मून लिखा हो सिर्फ वहाँ पे मून ही लिखा हुआ, वहाँ पे अदर प्लैनेट्स भी होंगे। अदर प्लैनेट्स के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो राशि होगी ना वो आपकी सेम ही रहेगी। तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि आपके मून जहाँ लिखे हुए हैं कुंडली में, वहाँ पे कौन सा नंबर दिया हुआ है। ये तो मैंने आपको एरिस, टॉरस, जेमिनी और कैंसर का बताया, आगे का भी हम कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी नंबर 5 लिखा हुआ है, एनी वेयर इन 12th हाउस, जितने भी हाउसेस है ना, इसमें से कहीं पर भी नंबर 5 लिखा हुआ है और वहाँ पे अगर मून की प्लेसमेंट है, आपको क्या देखना है कौन से नंबर में आपके मून लिखे हैं। तो हम यहाँ नंबर 5 की बात करें, अगर 9 नंबर 5 में आपके मून, जिसे हम चंद्रमा बोलते हैं, लिखे हुए हैं, इट मीन्स आपकी जो राशि हुई वो लियो हुई, मीन्स आप सिंह राशि के हुए। समझा फ्रेंड्स आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे या पर्सनली भी कॉन्टेक्ट करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये अब अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी एनीवेयर नंबर 6 लिखा हुआ है, इट मीन्स व्हाट, आपकी कौन सी राशि हुई, मून साइन की मैं बात करी, मून साइन आपका वो वर्गो, जिसको हम हिंदी में कन्या राशि कहते हैं, मीन्स आप कन्या राशि के हैं या फिर आपकी जो मून साइन है वर्गो बोली जाएगी। अब अगर किसी की कुंडली में नंबर 7 में मून का प्लेसमेंट है, 7 कहीं पे भी लिखा हो सकता है कुंडली में, और वहाँ पे अगर मून बैठे हुए हैं, इट मीन्स आपकी जो मून साइन है वो है लिब्रा, मीन्स आपकी जो चंद्र राशि है वो लिब्रा है। इन द सेम वे अगर किसी की कुंडली में नंबर 8 में मून का प्लेसमेंट, अब 8 कहाँ पे हो सकते हैं, 2nd हाउस में, वो कंपलसरी है, नॉट नेसेसरी। 8 नंबर कहीं पर भी लिखा हो सकता है आपकी इसमें कुंडली में, 12th हाउस में से कहीं पर भी, जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ पे अगर मून की प्लेसमेंट है, इट मीन्स आपकी जो राशि है ना, चंद्र राशि, मून साइन, वो स्कॉर्पियो है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं अदर राशिज का भी।
फ्रेंड्स, अगर आपकी कुंडली में जो मून की प्लेसमेंट है नंबर 9 में है, मतलब सपोज आपकी कुंडली में 12th हाउस में कहीं भी नंबर 9 लिखा हुआ है और नंबर 9 में अगर मून है, इट मींस आपकी जो चंद्र राशि हुई या मून साइन हुआ ना, वो सेगिटेरियस हुआ। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, एनी वेयर आपकी ये 12th हाउस में कहीं पर भी नंबर 9 लिखा है और वहाँ पे अगर मून की प्लेसमेंट है, तो आपका जो मून साइन हुआ, आपकी जो राशि हुई चंद्र राशि, वो सेगिटेरियस हुई, जिसको हम हिंदी में धनु राशि बोलते हैं। अब अगर किसी के कुंडली में जो मून की प्लेसमेंट है नंबर 10 में हुई, अब जहाँ कहीं भी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12th हाउस में कहीं पर भी नंबर 10 लिखा है और उसमें अगर मून की प्लेसमेंट हुई, इट मीन्स आपकी जो चंद्र राशि हुई वो कैप्रिकॉन है, जिसको हम मकर राशि बोलते हैं हिंदी में। समझ में आया? आई होप फ्रेंड्स आपको, मींस कहीं पर भी 10 नंबर लिखा हो कुंडली में, 12 हाउसेस हैं, कहीं पर भी 10 लिखा हो अगर उसमें मून बैठे, इट मींस आपकी कैप्रिकॉन राशि हुई। और साथ में कितने भी प्लैनेट्स हो, नो इश्यूज एट ऑल, उसको आपको कुछ नहीं लेना देना है, आपको सिर्फ अपनी मून राइज फिगर आउट करनी है, मून साइन। तो मून साइन के लिए आपको जस्ट देखना है मून की प्लेसमेंट कहाँ है और उसके साथ में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब अगर किसी की कुंडली में आप देखते हैं 11 लिखा हुआ, वहाँ पे मून है। 11 मीन्स व्हाट? एक्वेरियस। इट मीन्स आपके जो मून साइन है ना, वो एक्वेरियस है, मीन्स कुंभ राशि आपकी है। कौन सी राशि आपकी? कुंभ राशि है, हिंदी में हम कुंभ बोलते हैं एक्वेरियस को। तो अब 11 नंबर कहीं पर भी लिखा हो 12th हाउस में और वहाँ पे अगर मून लिखा हुआ, तो आपकी राशि आप समझ के एक्वेरियस है। अब अगर किसी की मून जो है वो नंबर 12 जहाँ कहीं भी कुंडली में लिखा हुआ है वहाँ पे बैठे हैं, मीन सपोज कुंडली में किसी भी कॉलम में कहीं पर भी 12 लिखा हुआ है और वहाँ पे मून की प्लेसमेंट है, इट मीन्स आपकी जो राशि हुई ना पाइसेस हुई। पाइसेस मीन मीन राशि, जिसको हम हिंदी में मीन बोलते हैं, मीन राशि आपकी हुई। तो ये थी मून साइन देखने का तरीका। अब मैं आपको एक बात सिंपल वे में बता देती हूँ। अगेन आप अपनी कुंडली खोलिए, जिसकी भी कुंडली आपके पास में, आप कुंडली ओपन करिए, आप देखिए कि मून जो है वो कहाँ लिखे हुए कुंडली में और वहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है वो आपकी मून साइन हुई। सपोज अगर एक नंबर लिखा है जहाँ पे मून है, तो आपकी एरिस राशि हुई, एरिस मून साइन हुआ। दो नंबर लिखा है और वहाँ पे मून है, मीन्स आपका टॉरस राशि हुआ, मीन्स वृषभ राशि हुई आपकी। अगर 3 नंबर लिखा है वहाँ पे मून है, इट मीन्स आपकी जेमिनी राशि हुई, मीन्स आपकी मिथुन राशि हुई। 4 नंबर लिखा हुआ है अगर वहाँ पे, और वहाँ पे मून का प्लेसमेंट है कहीं पर भी हो 4 नंबर, इट मीन्स आपकी कैंसर राशि हुई, मीन्स आपकी कर्क राशि है। 5 नंबर लिखा हुआ है कहीं पर भी लिखा होगा कुंडली में और वहाँ पे मून की प्लेसमेंट है, इट मीन्स आपकी लियो मून साइन हुई, मीन्स सिंह राशि के जातक हैं आप, सिंह राशि के पर्सन हैं। अगर नंबर 6 लिखा हुआ है और वहाँ पे मून है और कहीं पर भी 6 लिखा हो सकता है किसी भी हाउस में, इट मीन्स आपकी कन्या राशि हुई, जिसको हम वर्गो बोलते हैं। अगर नंबर 7 लिखा हुआ है कुंडली में एनी वेयर और वहाँ पे मून लिखे हुए हैं, इट मीन्स आपकी जो मून साइन हुई वो लिब्रा हुई, तुला राशि के हैं आप। अगर नंबर 8 लिखा हुआ है कहीं पर भी कुंडली में, 12th हाउस में कहीं पर भी, और उसके साथ कितने भी प्लैनेट बैठे हो, नो इश्यूज एट ऑल, पर अगर वहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं नंबर 8 के साथ में, इट मीन्स आपकी स्कॉर्पियो राशि हुई, चंद्र राशि आपकी वृश्चिक हुई। अगर आपकी राशि में अगर नंबर 9 लिखा हुआ है और वहाँ पे मून की प्लेसमेंट है कहीं पर भी, इट मीन्स आपकी जो राशि हुई सेगिटेरियस हुई, आप धनु राशि के जातक हैं। अगर आप कहीं पे 10 नंबर लिखा है वहाँ पे मून लिखा हुआ है, इट मीन्स आपकी राशि कौन सी हुई, मून साइन कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन मीन्स मकर राशि के हुए आप। अगर आपका कहीं पर भी 11 लिखा हुआ है और वहाँ पे मून है, इट मीन्स एक्वेरियस, एक्वेरियस मीन्स आपकी जो राशि है ना वो कुंभ राशि हुई, मीन्स आप एक्वेरियस हैं। और अगर 12 नंबर लिखा और वहाँ पे अगर मून बैठे हैं, मून की प्लेसमेंट है एनी वेयर, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, कहीं पर भी 12 घरों में से कहीं पर भी लिखा हो, इट मीन्स आपकी जो राशि हुई ना चंद्र राशि, वो पाइसेस है, मून साइन पाइसेस है। इस तरह से आप अपनी मून साइन फिगर आउट कर सकते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन है वो आता है कि हमको मून साइन से करना क्या है। जब अपनी डेली हॉरोस्कोप देखते हैं ना और इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम जो डे टू डे प्रिडिक्शन होता है ना, वो मून साइन से करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन साइन का यूज करते हैं, बट इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हम मून साइन का यूज करते हैं। अगर मून साइन से आपको डे टू डे का आपको प्रिडिक्शन देखना है, तो आपको मून साइन पता होनी चाहिए अपनी। और जो मून है ना, वो हर 2 दिन में चेंज होते हैं, तो हर 2 दिन के बाद। और फ्रेंड्स देखिए, जो चंद्र कुंडली का
इम्पोर्टेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो, तीन टाइप की कुंडली हम एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं। एक तो होती है लग्न कुंडली, जो मैंने आपको कल बताई, फिर एक होती है चंद्र कुंडली, जो मैंने आज आपको बताई, फिर एक होती है सूर्य कुंडली, जिसको भी हम कंसिडर करते हैं। हम इन तीनों कुंडलियों को देखते हैं, और जैसे ही ना लग्न कुंडली इम्पोर्टेंट है, वैसे ही चंद्र कुंडली भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमारे ऊपर जो लाइफ पे जो इफेक्ट होता है ना, वो चंद्र कुंडली का भी होता है, लग्न कुंडली का भी होता है। अगर आप किसी को प्रिडिक्शन दे रहे हैं, तो आपको लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली तीनों के हिसाब से आपको प्लैनेट की पोजीशन रख करके, देख करके फिर बताना चाहिए, फिर प्रिडिक्ट करना चाहिए, तब आपकी प्रिडिक्शन जो होती है ना, वो 100% करेक्ट होती है। और ये आपका हम एस्ट्रोलॉजी का धर्म भी बनता है कि हम पूरी मेहनत के साथ, पूरे ध्यान से कुंडली का प्रिडिक्शन दें, जो जस्ट लग्न कुंडली से प्रिडिक्शन नहीं देना चाहिए। और आप जो न्यू लर्नर्स हैं ना, आप क्या करते हो, आप जाते हो साइबर कैफे में, या फिर आप अपने घर में ही सॉफ्टवेयर में अपना डेटा, अपनी इन्फॉर्मेशन, बर्थ डिटेल्स डालते हो, और बस लग्न कुंडली देख लेते हो। सोचो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप अपने साथ में, खुद को चीट कर रहे हो। तो आपको थोड़ी बहुत आई थिंक नॉलेज मिल गई होगी आज की वीडियो से। अब हम आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आपकी मेष राशि है, और मेष राशि होगी कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी, आप कैसे चेक करेंगे, मैंने आज तो बताया, कल फिर से रिवीजन ले लूंगी। और मेष राशि अगर है तो आपका नेचर कैसा होगा, आपके लाइफ के बारे में उस पर डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स। तो कल फिर मिलेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, और आपके क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करें, जिससे कि आप दोनों साथ में बैठ करके अगर वीडियो देखेंगे, आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आएंगे एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, और फिर इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए,